उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड के पास 4 मंजिला अलाया अपार्टमेंट मंगलवार को अचानक गिर गई। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की सूचना है, जिसमें से 12 लोगों को बचा लिया गया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को राजधानी में देर शाम एक बिल्डिंग गिर जाने से कई लोग मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के मलबे में अभी भी 6 से 7 लोगों की दबे होने की सूचना है। किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है, राहत बचाव का काम जारी है, सभी को सकुशल बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भूकंप की वजह से बिल्डिंग में दरार आ गई थी। हालांकि हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है अर्थक्वेक से गिरा? नहीं, अर्थक्वेक से नहीं गिरा। हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रही थी बेसमेंट, ठीक है, उससे गिरा और इलीगल था। जो भी काम हो रहा था वो किसी को पता नहीं। बहुत सवेरे से तो 2 दिन से परेशान थे हम लोग। इतना ज्यादा कि हम लोग सब बाथरूम हिलता है और सब इतना ज्यादा मतलब वाइब्रेशन थे उस काम के। काम होने के बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। क्या नाम है? दीपक कोहली। आप बगल में रहते हैं? हाँ जी। थैंक यू।